युद्ध में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से तनाव जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक बार फिर बिना नाम लिए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ दशहरा मना रहे हैं। रक्षा मंत्री उत्तराखंड के चमोली में है, जहाँ उन्होंने सेना के जवानों के साथ विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ बातचीत की तो चीन को भी कड़ा संदेश देना नहीं भूले। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान में जो हुआ उसमें सेना ने करिश्मा दिखाया। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है तो भारत ने आज तक ना तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण किया है, ना ही किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन अगर हमें कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। हमारे पड़ोसियों के द्वारा भारत की सुरक्षा को लेकर कोई संकट पैदा किया गया है तो उस समय आपने जो जिस भूमिका का निर्वाह किया है उसकी जितने भी सराहना की जाए कम है। हमारे सेना के जवानों के कारण ही आज हमारा भारत सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित माहौल में आज अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। भारत की हैसियत बढ़ी है और गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आपके गलवान में जो आपके द्वारा करिश्माई काम किया गया, जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। क्योंकि भारत के ऋषियों और मनीषियों ने तो हमको यही संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की सीमा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी एक परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश दिया है। हम लोगों ने नहीं कभी किसी से अपने को अलग माना है, लेकिन यह बात भी सच है, यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। यह सब कुछ जो ताकत हौसला मिला है वो आप सबके कारण। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं जवानों के बीच आ जाता हूं। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। इस देश में जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण निधि भारत की सेना है। देश का भरोसा है भारत की सेना। बता दें कि 15 जून 2020 की रात को चीन और भारत की सेना के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस हिंसा में भारत के भी एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा नुकसान हुआ था। तब से लेकर अब तक LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर इलाके से चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा।